दोस्तों देखिए, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये मतलब समुद्र का पानी लहर कैसे होता है। इतना जोर से लहर आते है और किनारे में जैसे मतलब थक्का लगता है। तो लोग किसी शायरे में बोलते हैं ना, जैसे मतलब नदी जो बह जाता है तो उसका किनारे जो दुख है, दुख डर है, उसको पता चलता है। ये बात रियल है। जितना ये मतलब थक्का जैसे लहर का पानी बहुत जोर से लहर जाए, ऐसा ऐसा है ना, लहर आते 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 उसको दुख गम कहाँ पे है किनारे में लगता है। जैसे मतलब किसी बात जो कहते हैं बड़े, जैसे मतलब कुछ भी बात बोलने से पहले हम सोचना जरूरी है, ताकि ना किसी का थक्का ना ला जाए, है ना। हम भी कोई बिना सोच के कोई बात फोटक से बोल देते हैं कि नहीं फलाना वो ये है, वो है ये है, क्योंकि हम सोचना ज़रूरी है दूसरे के लिए भी, ठीक है। जैसे मतलब लहर जो पानी आता है ना, नदी का पानी जब इसका दिम से बह जाता है तो क्या होता है, कोई नुकसान नहीं पहुँचता, है ना। सब लोग उसको अच्छा लगता है, यह नदी वो अच्छा नदी है, ये नदी बहुत सारा कहने लगता है। लेकिन जो एक बार आके जैसे मतलब होता है, मतलब पापा घर बगर बाह बहका लेके जाते हैं और सारे का सारे लेके जाते हैं कि क्या होता है, तो सारे बिखर जाते हैं। तो क्या होता है उसमें, मतलब पता नहीं चलते हैं कब क्या होता है। तो ऐसा ही है, मतलब आँख में देख के पता चला तो उसके किनारे में इतना मतलब ज़ोर से पत्थर है, लेकिन पत्थर के फिर भी मतलब ये हो जाता है, मतलब देखो लगते 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 ये है ना। तो ये बात है, मतलब मैं इसलिए फटक से याद आया कि आके मैं इसको क्या मतलब शेयर करना सारा भी दूंगा। इसमें कोई भी बात हमें क्या ना सोच समझ के बोलना चाहिए, कोई भी बोलने से पहले, ताकि दूसरे को ना इफेक्ट पड़े, वो सोचना ज़रूरी है। और ये बात है, जितना बोलना है उतना ही बोलो, ज़्यादा बोलना भी मतलब ये नहीं है। आप सोचो कि हाँ कैसे बोलना है, कितना बोलना है। मेरे ख्याल से वो है, क्योंकि लोग मतलब ओ ये हो ये क्लास में बोलते बोलते क्या होता है, कोई किसी को दुख पहुँचता है पहला दिन में, धीरे धीरे वो भी समझ जाता है नहीं वो ऐसा ही है करके, है ना। तो जो भी है, आज लहर का पानी देख के बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बहुत मैं भी बहुत खुश लगा। लेकिन दो सार बातें ऐसे बोलने के लिए मैं अभी जस्ट ये किया वीडियो में बोला मैं अभी। जो भी है सुनिए देखिए, और मुझे आज ये है दिखाना था इसलिए दिखाया। और पानी भी बहुत खूबसूरत पानी है, और जो है लहर भी इतना अच्छा है, मतलब पानी का लहर तो बहुत लोग दिखाई नहीं होंगे, तो इसलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ। वीडियो में तो दूर पड़ रहा है, ये पानी है, ये जो पानी है ना पानी का लहर है। बहुत लोग ने देखा नहीं होगा पानी का लहर कैसे होता है। लहर बोले तो लोग मतलब जो पानी का जो उछलता है ना, वो देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत है, खुद को ये लगता है। और बारिश का दिन में तो बहुत ही अजीब होता है, तो आप लोग तो दिखा नहीं होगा। बड़े बड़े तो जैसे आ जाता है ना, तो बहुत लोग ने दिखा नहीं होगा, जैसे पानी होता है मान लो हिमालय से जैसे पानी निकल जाता है, तो लोग तो डर के मरी आ जाते, क्योंकि बहुत स्पीड से आ जाता है। लेकिन जो भी है हमें देखो, लहर का पानी जो बहुत लोग कभी कभी देखने मन करते हैं, तो आप कोई भी खुशी जो होता है तो पास में जाके देखिए। और जो मैं बोला वो बात थोड़ा याद रखिए, बस वही थोड़ा मैं मतलब ये बातों के बोलने के लिए चाह रहा था। जैसे लहरें का पानी जैसे होता है, और पानी बगल में आके क्या होता है जो थक्कर लगता है, तो उसमें क्या होता है कि लगते लगते क्या होता है, जैसे मतलब बादल वाला जितना भी मिट्टी वगैरह हो गिर जाता है या कुछ भी है। तो लोग ये बात जो बोलने के लिए किया कहा, जो भी है देखिए, मैं इतने बोल के मैं आज का दिन में इतना ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।